आज हम सेवंथ क्लास का ज्योमेट्री का सिलेबस पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री के सिलेबस के लिए हमें चाहिए फुट्टा, पेंसिल, एक आपको रबर चाहिए और एक प्रकार में पेंसिल लगा हुआ प्रकार चाहिए। ये सामान आपको चाहिए तो तभी आपकी ज्योमेट्री का जो प्रश्न हो हल हो सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी एक भुजा ए बी डी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रश्न में दिया है वो सबसे पहले आपने लेना है। आपको क्या है, एक ए बी रेखा दे रखी है आपने। आपने एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जो चीज प्रश्न में दी है वो आपकी स्मॉल लेटर में आई है, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपने क्या करना है, जितनी आपकी ए बी रेखा है आपने उतना मापना है। आप प्रकार से ले सकते हैं और आप फुट्टे से भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, दो से लेकर के ये आठ तक है, तो ये छः सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे भी दो से आठ तक, यहाँ पे दो से आठ तक ये ले रहा हूँ। एक बार मैं इसको माप भी दूंगा, प्रकार से देख भी लूँगा कि क्या मैंने ये बराबर ले रखा है। ये दी हुई हमारे पास ए बी रेखा थी, ये देखिए ये है और ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब हम इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में दे सकते हैं, ए और बी। ये दी हुई ए बी रेखा के बराबर हमने ए बी रेखा ले ली है। अब हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ए बी जितनी हम प्रकार खोलेंगे और ए पर प्रकार रखेंगे, चाप लगा देंगे ऊपर, ये देखिए आपने डॉटेड चाप लगानी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और इस चाप को काट देंगे, जहां पे ये चापे आपस में कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। अब आप क्या करेंगे, बी और सी को आपस में मिला देंगे। फुट्टा आपने सही ढंग से एडजस्ट करना है, लाइन बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, ये देखिए ये आ गई। अब आपने क्या करना है, सी और ए को भी मिलाना है। उसके लिए आपने ऐसे फुट्टा एडजस्ट करना है, ये देखिए आपका सी और ए भी आपस में मिल गया है। इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न बनके तैयार। सेवंथ क्लास में दूसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी और एक भुजा सी दी है। पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया था, अब हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है, आधार है ए बी, तो हम सबसे पहले आधार ए बी ले लेते हैं। ये हमने आधार ए बी ले लिया है, ये हमने नाम दे दिया इसका ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। तो हमारे पास दूसरी एक भुजा दी हुई है, वो है सी। हम क्या करेंगे, एक भुजा ले लेंगे सी, इस भुजा का हम नाम दे देते हैं सी। ये दी हुई ए बी रेखा है, हाँ ए बी रेखा जो दी हुई होती है वो आपने स्मॉल लेटर में लिखनी है। ये मेरे से गलती से हो गया ना, ये स्मॉल लेटर में लिखनी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जितना आपके पास ए और बी है, इतना आपने ए से बी ले लेना, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं मिला देता हूँ, ये है मेरा ए बी।
दी हुई ए बी रेखा के बराबर ए बी रेखा ले ली है। आप देख सकते हैं ये जितनी ये ए बी रेखा है उतनी ही मैंने यहाँ पे भी रेखा ये रेखा ले ली। ये देखिए अब हम इसमें कैपिटल लेटर में ए और बी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास सी दी हुई सी एक भुजा है कितनी प्रकार खोलेंगे ये देख लीजिए। प्रकार खोलने के बाद आपने ए पॉइंट पर प्रकार रखनी है और आपने यहाँ से चाप लगानी है। अब आप क्या करेंगे, फिर बी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और आप दूसरी चाप भी लगा देंगे। और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। ये सी है जहाँ पे दोनों चापें आपस में मिल रही है। हम क्या करेंगे, बी और सी को आपस में मिला देंगे ऐसे, और ए और सी को भी आपस में हम मिला देते हैं। ये आपका सम द्विबाहु त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है। गृह कार्य में आपने दोनों त्रिभुजों को अपनी ड्राइंग फाइल पर अच्छे से बनाना है।